ओडिशा के अनुगुल के तारचेर स्थित थर्मल प्लांट एनटीपीएस पर हाल में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनटीपीसी तारचेर थर्मल कार्यकारी निदेशक गौतम देव ने आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए संगठन के समर्पण को रेखांकित किया। एनटीपीसी तारचेर थर्मल अपनी 1320 मेगावाट 2X परियोजनाओं को विकसित करने में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वहीं ओडिशा के लिए 50% बिजली आपूर्ति रखने के साथ ही ये परियोजना आसपास के राज्यों को बिजली प्रदान करके देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। देखिए, पुराना प्लान था, काफ़ी पुराना था, आप लोगों को पता है। उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आपका एफिशिएंसी एंड उसका इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ऑल्दो ये पुराना प्लान जब एनटीपीसी लिए थे तब 20% पीएलएफ था, उसको एनटीपीसी विद देयर एफर्ट्स एंड न्यू प्लानिंग प्रोसेस उसको इम्प्रूव करके हम लोग अवेलेबिलिटी 100% एंड पीएलएफ मोर देन 90% लेके गए थे। लेकिन दैट वॉज डिपेंडेंट ऑन ओल्ड टेक्नोलॉजी। अभी क्या है, जो नया प्लांट आ रहा है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर है एंड ईएसपी 99.9% का है विद एफजीडी है। दिस विल रिड्यूस द कोल कंजम्पशन, इंक्रीज द एफिशिएंसी, मोर ओवर इनक्रीज आपका फ्यूचर प्रोविजन। हम बायोमास फायरिंग के लिए रख रहे हैं, एज मिथेनॉल फायरिंग के लिए रख रहे हैं। जब ये टेक्नोलॉजी मैच्योर कर जाएंगे एंड द थिंग्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट एट रीजनेबल प्राइस, उस टाइम के लिए हम यूनिट को रेडी करके रख रहे हैं। सो दैट उस टाइम में द इम्पैक्ट ऑफ कार्बन विल बी मच लेस देन व्हाट इज नाउ।